वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल गुरु सज्जाद, और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए पैराग्राफ राइटिंग की एक नई वीडियो। इससे पहले हमने अपने चैनल पे पैराग्राफ राइटिंग की स्पेसिमेंट की बहुत सारी वीडियोस डाले हुए हैं, और एक पैराग्राफ कैसे लिखे इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो आपने अगर वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं या आपसे वो सारे वीडियोज़ मिस हो गए हैं, तो आप आराम से जाकर हमारे चैनल पर वो सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जो है होली। बहुत ही जल्द होली का फेस्टिवल आने वाला है और पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है फॉर होली। सो अगर आपको होली के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो मैं क्विक सा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ, इंट्रोडक्शन दे दूँ कि होली है क्या। होली बेसिकली एक रंगों का त्यौहार है जहाँ लोग अपने सारे पिछले मन मुटाव भूल कर आपस में खेलते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं और अपनी ज़िंदगी में एज अ रिचुअल खुशियों से रंग भरने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। As a country of numerous cultures, ethnicity and faiths, India celebrates countless festivals in its calendar throughout the year. Numerous मतलब बहुत सारे, ethnicness मतलब बहुत ही ethic वाले, रीति रिवाज वाले, और countless मतलब बहुत सारे। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर कल्चर में अलग अलग एथिक्स होते हैं, अलग अलग फेथ्स होते हैं, और उन्हीं सब पे बेस्ड हम countless festivals मनाते हैं, अनगिनत festivals मनाते हैं। Among the most largely known festivals, we find Holi in simple terms the celebration of colors. But as we dive a little deeper, so deeper का मतलब है और गहराई में। तो basically Holi को एक color का festival माना जाता है, but अगर थोड़ी deep में जाएँ तो ये कुछ और ही है। Holi seems to bring with it a plethora of meanings and historical, culture and traditional significance. Significance होता है importance। तो होली को अगर आप deep way में देखें, अच्छे से देखें, तो इसका एक बहुत historical significance है, एक culture है, एक tradition है होली का। होली टू सम पीपल इज़ द फेस्टिवल ऑफ लव शेयर्ड बाई राधा एंड कृष्णा, अ फॉर्म ऑफ लव दैट नीड्स नो स्पेसिफिक नेम, फॉर्म और शेप। तो कुछ लोगों के लिए होली एक लव फेस्टिवल है कि जब राधा कृष्णा अपने लव को इन्हांस करते हैं, और इस लव को कोई नाम का ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर नाम का ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म या शेप का ज़रूरत नहीं, इट इज़ जस्ट प्योर लव। टू अदर्स इट इज़ अ स्टोरी ऑफ हाउ द गुड इज अस in us always emerges victorious over the other। emerges मतलब उभर के आना, victorious मतलब जीत। तो होली का एक ये भी मीनिंग है कि कैसे हमेशा अच्छाई की जीत होती है अपॉन बुराई, बुराई कभी भी जीत नहीं सकता और हमेशा अच्छाई की ही विक्ट्री होगी। While for many others होली is an opportunity of fun, frolic, forgiveness and compassion। opportunity मतलब मौका, frolic मतलब मस्ती, forgiveness मतलब माफ़ी। तो होली एक ऐसी opportunity होती है कि जब आप मस्ती मजाक करें, जितने भी पिछले के मन मुटाव है उसे भूल जाए, आप माफ़ कर दें अपने अपने चाहने वालों को, और एक compassion के साथ एकजुट होकर वो festival celebrate करें। Spread over 3 days, the holy rituals begin with the destruction of evil symbolized by a bonfire on the first day and celebration with colors, prayers, music, dance and blessings on the other 2 days। तो होली बेसिकली 3 दिनों में सेलिब्रेट होती है। सबसे फर्स्ट डे जो होता है वो रिचुअल्स का मतलब होते हैं, सारे पूजा पाठ, सारे कस्टम्स। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही या उसे तबाह करना। सिम्बलाइज मतलब एक सिंबल होता है कि कैसे वो रिचुअल से शुरू होता है कि आप ईवल को तबाह कर दें बाय अ बॉनफायर। उस बॉनफायर को बेसिकली होलिका दहन के नाम से हम लोग जानते हैं। और फिर दूसरे ही दिन सेलिब्रेट होता है विद दिस, यही होली सेलिब्रेट होता है विद कलर्स, प्रेयर्स, म्यूजिक, डांस और बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स के साथ। और अगले 2 दिन ये चीज़ होती रहती है। द प्राइम कलर यूज रिप्रेजेंट्स वेरियस इमोशंस एंड एलिमेंट्स लाइक ब्लू फॉर लॉर्ड कृष्णा, रेड फॉर फर्टिलिटी एंड लव, एंड ग्रीन फॉर न्यू बिगिनिंग। वेरियस मतलब बहुत सारे, तो हर अलग अलग कलर्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ब्लू कलर का मतलब होता है सिम्बलाइज किया जाता है लॉर्ड कृष्णा को, रेड सिम्बलाइज होता है फर्टिलिटी और लव का, और ग्रीन का सिम्बलाइजेशन होता है एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। द फेस्टिवल ऑफ होली फाइंड्स अ प्लेस नॉट ओनली इन आर रियल लाइफ बट ऑल्सो इन आर्ट।
media and music as various songs, movies and shows mentioned wholly with diverse form and reference. Diverse मतलब अलग अलग तरीके से और reference मतलब उसे refer करना. तो होली बस एक जगह का festival नहीं है, होली को हर field में celebrate किया जाता है, चाहे वो art field हो, media हो, music हो. India में बहुत ही सारे songs हैं जो based on होली है, बहुत सारी movies और serials हैं जहाँ होली के अलग अलग reference अलग अलग way में दी जाती है. More often than not, people embrace this occasion to wipe memories of hurt and anguish and replace them with brotherhood, kindness and enjoyment. तो people इसे embrace करते हैं, इसे भारते हैं अच्छे से और इस occasion को, occasion मतलब होता है मौका, इस मौके को use करते हैं सारी पुरानी घृणा, anguish मतलब घृणा, hatred और जितना भी hurt और hatred होता है उसे wipe out करने के लिए और इसे replace करते हैं brotherhood, brotherhood मतलब भाईचारा. तो उस दिन भाईचारा लाते, काइंडनेस मतलब आप अपने दिल में कंपैशन लाएं, सरलता लाएं और एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करें अपने चाहने वालों के साथ. People across the barriers of age, generation, caste and greed become a part of the celebration in all their color. तो जितने भी लोग होते हैं अलग अलग ब्रीड्स के, अलग अलग एज के, अलग अलग जनरेशन के, कास्ट के, ग्रीड्स के, सब एक साथ एकजुट होते हैं और ये फेस्टिवल अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से सेलिब्रेट करते हैं. तो आज के इस टॉपिक में हमने, इस आज के इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया. इस वीडियो की जैसे आपको हमारे चैनल पे अलग अलग वीडियोस मिलते रहेंगे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक और सब्सक्राइब ना करना ना भूलें. आपको हमारे चैनल पे अनायास बोर्ड से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी कि एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन की फ़ीस और पेमेंट कितनी लगेगी और अनायास बोर्ड से रिलेटेड टॉप टू बॉटम सारी जानकारी मिल जाएगी. तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें.